मसीह के नाम पे मिसलीड कर रहे हो पीपल्स। तो आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको पूछता हूं। हमको जो कहना हम तो जनता को कहेंगे, जो सच बात है। लेकिन बीजेपी का काम यह है झूठा बोलना और झुमला, ये तो एक झुमला है और भी एक झूठा है, गलत बात है, लोगों को अत्याचार करना। ऐसे वोट क्यों मांगते हैं? अगर आपको विश्वास है कि आप ए बार क्या बोला यादव पे 400 सीट मिलेगा, अरे पहले तो 200 सीट मिलना चाहिए बंगाल का। हम ऐसा नहीं कहता, हम जनता को ऊपर छोड़ता है। जनता ने जिसको वोट देंगे हम मान लेंगे, जनता जो राय देंगे हम मान लेंगे। लेकिन बीजेपी फोर्थफुल इलेक्शन करेगा तो हम इसको रुकेंगे। ड्यू टू हर फियर साइकोसिस ये सब गलत भ्रम पैदा कर रहा है। मानुष ममता जी का बाद में विश्वास नहीं करता है, सबको मालूम है झूठा बात है। वो चुनाव में बुरी तरीके से तृणमूल हारने वाला है, इसलिए ये ड्यू टू हर फियर साइकोसिस सी इज सेइंग दिस टाइप ऑफ फॉल्स एंड फेक कैंपेन। डिटेंशन कैंप कहाँ है? ममता जी का घर में। मैं ममता जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले आप अप्लाई कीजिए, आपका चीफ मिनिस्टरशिप जाएगा तो आपका बात हम लोग मान लेगा। आपको चीफ मिनिस्टर से हटा के डिटेंशन कैंप में पहले भेजने का काम आप शुरू कीजिए ना, आपका बात साबित हो जाएगा। ये सीधा सीधा बंगाली हिंदू का अपमान है। 3 करोड़ बंगाली हिंदू घर बार छोड़ के ड्यू टू रिलीजियन ग्राउंड बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान छोड़ के भारत में आया, खास करके बंगाल में 3 करोड़ है। ये मोदी जी का वादा था 19 का इलेक्शन का दौरान, कैंपेन का दौरान उन्होंने कानून बना दिया था, अमित शाह जी का क्रेडिट है। वो चुनाव का पहले अपने वादा पूरा करने के लिए वो रूल्स निकल दिया। ममता बनर्जी का बाद में कुछ होने वाला नहीं है, पूरा खुशी का माहौल है। सब मोदी जी और अमित शाह जी का तस्वीर लेकर सब मिठिया डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है और खुशी का माहौल है। मोदी है तो मुमकिन है। अब सीए हो गया, एनआरसी के डर रखा रहे हैं। ममता ने जी रोज स्टेटमेंट चेंज कर दिया है, करने नहीं देंगे। जब हो गया है बोलते उसमें नहीं करना रजिस्ट्री। अब उनकी बात कोई नहीं सुनेगी।